समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर में भक्त और भगवान की नगरी विद्यापति धाम में नव वर्ष का सबसे अच्छा नजारा देखने को मिला। इससे अच्छा स्वागत और क्या हो सकता है, जब कड़ाके की ठंड और घने कोहरे खुद बाहें फैलाए सबको हैप्पी न्यू ईयर कह रही हो। इसके लिए मंदिर की साफ सफाई सुबह 3 बजे से शुरू हो गई। नव वर्ष के अवसर पर बाबा को विशेष मंत्रों के साथ स्नान कराया गया, साथ ही सुंदर नए वस्त्र अर्पित किए गए। इसके बाद मंगल आरती समर्पित करते हुए पंचमेवा का विशेष भोग अर्पित किया गया। नई उम्मीदों के साथ नया साल आ चुका है और लोग इसे सेलिब्रेट करने में जुटे हैं। सुबह से ही विद्यापति धाम के मंदिर में भीड़ उमड़ी रही। लंबी लंबी लाइनों में लगकर श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाहर मेले जैसा नजारा दिखा। देखिए हमारे संवाददाता रत्न शंकर भारद्वाज के इस खास रिपोर्ट को। 2010 इसलिए मनाया जाता है कि भाईचारा और प्रेम का प्रतीक है। विद्यापति में 2010 में आया जाता है। काफी भीड़ लग रही है विद्यापति धाम में। भक्तों नया साल के उपलक्ष्य में भक्ति के प्रतीक हार्दिक शुभकामना रहता है, इसीलिए काफी भीड़ है। यहाँ प्रसाद का भी वितरण हो रहा है बाबा। नव वर्ष के उपलक्ष्य में भंडारा के तौर पर जो है यहाँ प्रसाद का वितरण हो रहा है। दरबार से जो भी भक्त आए हुए मुँह मीठा करके जाएंगे, महादेव का सदा मुँह मीठा करके। क्या संदेश देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? श्रद्धालुओं को मेरे प्रति से भावना भाईचारा बना के रखे और हम नगर भारतवासी सब खुशी और मोहब्बत के साथ। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम रामकुमार। खबर समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर से आ रही है, जहां घने कोहरे और कपकपाती ठंड के बीच पूरा क्षेत्र सुबह से ही नववर्ष के जश्न में डूबा रहा। बच्चे और युवा घरों से निकलकर जगह जगह पिकनिक मनाने में जुटे रहे। सबसे ज्यादा भीड़भाड़ प्रखंड के हरपुर बोचाहा पंचायत स्थित प्रेम विहार मनरेगा पार्क में देखी गई। प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षक छटाओं से लबरेज ये पार्क अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के क्षेत्रों में मशहूर है। यही कारण है कि दूरदराज से लोग नववर्ष के स्वागत और पिकनिक बनाने के लिए यहाँ सुबह से ही पहुँचने लगते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया लोगों की संख्या और बढ़ती गई। पार्क पहुँचे लोगों में ज्यादातर युवा और बच्चे शामिल थे। आइए रुख करते हैं खबर पर विस्तार से हमारे संवाददाता रत्न शंकर भारद्वाज के साथ। 2 घंटे से। तो किस प्रकार की बिक्री दिख रही है आपको यहाँ पे? बिक्री नहीं है सर। नहीं है? नहीं। लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? लोग तो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन उस तरह की बिक्री नहीं दिख रही है। बिक्री नहीं है सर। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी राजेश चौरसिया। बहुत सारे मंत्री विधायक और सांसद बन के आते हैं और ऐसा पार्क निर्माण हमें लगता है कि किसी मुखिया के द्वारा पहला ऐसा पार्क है जो बिहार में ऐसा निर्माण किया गया है। देखिए, पार्क के साथ साथ हमारी उद्देश्य थी जल जीवन हरियाली। अभी मानव जीवन में जितनी जरूरत जल की है, जितना जरूरत पर्यावरण के दृष्टिकोण से ऑक्सीजन की है, तो वह उत्पत्ति कहाँ से हो, यह भी सोच हमारे दिलो दिमाग में थी, जिसके कारण हमने इस उद्देश्य को लेके चले कि पेड़ पौधा भी लगावें जिससे कि आम लोगों को ऑक्सीजन भी प्राप्त हो, नहर का निर्माण करें, तालाब का निर्माण करें जिससे कि यहाँ के किसानों को जो है सो खेती पटवन में कहीं दिक्कत न हो, उनको भी सुविधा प्राप्त हो। और जिस जगह को देख रहे हैं वह जगह 4500 एकड़ रकबा की है, इसको दुमरदस चौर के नाम से जाना जाता है। आज से 10-12 साल पहले इस चौर में एक भी फसल नहीं हुआ करता था, या तो जलमग्न रहा करता था या तो सुखारे रहता था जिसमें काश हुआ करता था। यहाँ के किसान जो हैं सो इसका मुआवजा भी देना नहीं चाहते थे, उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। बीघा का बीघा जमीन तो था लेकिन आय का कोई साधन नहीं था। तो समय भी हमारे दिलो दिमाग में थी कि जब हम इस रेलवे लाइन के निकट बच्चे में खेलने के लिए आ रही है, सभ्यता में भी परिवर्तन हो रहा है। आज जो यह माहौल देख रहे हैं, जब सभी माहौल क्या है, यह एकता एकता का एक सूत्र है कि हम सभी लोग आके एक पर्यावरण जल जीवन हरियाली के दृष्टिकोण से हम एकत्रित हुए हैं और एकत्र होके यह एक संदेश हम लोग दे रहे हैं कि आने वाला समय में सभी पंचायत में अगर एक छोटा छोटा पार्क हो जाए और इस उद्देश्य से प्राप्त हो कि जिससे सभी को लाभ मिले, यही हमारी उद्देश्य थी, यही हमारी भावना है। आपने इस पार्क का नाम मनरेगा पार्क ही क्यों रखा?
इसलिए कि मनरेगा योजना के माध्यम से यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था किया गया, तालाब का निर्माण किया गया, वृक्षारोपण लगाया गया। तो जब जिस फंड से हम यह काम किए हैं तो उसका नाम तो रहना ही न चाहिए। प्लास्टिक पॉलिथीन के विषय में बातचीत की गई है। खबर समस्तीपुर के विद्यापति नगर से है, जहां प्रखंड के बाजीदपुर स्थित दूध सेंटर के परिसर में रविवार को आत्मा द्वारा संचालित जगदम्ब कृषक हित समूह के सफल संचालन के बाद किसानों के बीच राशि का वितरण किया गया। इसका सफल संचालन तकनीकी प्रबंधक मधुकर श्लोक ने किया। दूध सेंटर संचालकों एवं किसानों की बैठक की अध्यक्षता मुखिया मुकेश कुमार ने की। बता दें, इस बैठक में आत्मा से जुड़े किसानों और समिति सदस्यों ने बेहतर प्रदर्शन के लिए कार्य योजना बनाने और उस पर अमल करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई। खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रत्न शंकर भारद्वाज के साथ। कृषि उत्पादन के लेके समूह बनाया गया था और किसान लोग को जोड़ के और मंथली 500 रखा गया और संचालन किया गया। इसका जो कृषि से लाभ मिलता है, कुछ वहाँ से भी लाभ मिला है और अभी जो पैसा का लाभ हुआ वो सभी को वितरण हो रहा है। उसके बाद नया सिरे से फिर इसको चलाया जाएगा। आज जो सम्मान समारोह रखी गई है, इसमें कितने समूहों को बुलाया गया है जिनको सम्मान सहित उनका राशि वापस की जाएगी? 20 आदमी को बुलाया गया, 20 सदस्य। 20 सदस्य जी। कितने समूह का सदस्य होता है? 20 सदस्य ही है, कम से कम 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 है। कितने दिनों तक यह समूह चलाई जाती है? समूह 5 साल हम लोग बैठ के विचार किए, जो 5 साल पर हिसाब किताब किया जाएगा, समूह संचालन चल होते रहेगा। इसमें कम से कम कितने पैसे की लागत या सबसे ज़्यादा कितना पैसा लगा के समूह में सदस्य बन सकते हैं? कम से कम 200 रुपया से शुरू किया गया था, अभी 500 रुपया पर चल रहा है पर मंथ। जी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। हम लोग आत्मा की ओर से समूह चला रहे थे विद्यापति नगर प्रखंड में बाजीतपुर गांव में। आज उनका 5 साल पूरा हो चुका है। जितने भी समूह में सदस्य थे उनको मूलधन प्लस जो भी लाभ हुआ उस लाभ सहित उनको मिठाई के साथ विदाई किया जाएगा और नए फिर से समूह का संचालन किया जाएगा। इस समूह में कितने मेंबर थे? इस समूह में अभी 20 मेंबर थे। समूह में जो है सो आज तक कितने मेंबर, कितने समूह का मेंबर जोड़े हैं अभी तक? अभी तक 5 समूह चल रहा है। फर्स्ट समूह का किस्त पूरा हुआ है, 4 समूह का भी किस्त पूरा नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? जगदीश महतो, अध्यक्ष। क्या